Starting with uh, an, uh, uh, another set of uh, MCQs uh, in data compression. Okay, so let's start with the question number one. What is happening there? Let us see. क्वेश्चन नंबर वन सेच इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन बाइनरी हफ मैन कोडिंग ओके सो नॉन बाइनरी हफ मैन कोडिंग देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हमने पढ़े हैं लेकिन जब ऑप्शन सामने आते हैं ना तो सारे कन्फ्यूजिंग लगते हैं तो ऐसे केस में हमें इनको रिवाइज करना इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ओके सो क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि भाई विच इज़ ट्रू ट्रू बताना है रिगार्डिंग नॉन बाइनरी ऑफ मैन कोडिंग तो देखो क्या ट्रू हो सकता है ऑल द सिंबल्स पहला ऑप्शन पढ़ते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है ऑल द सिंबल्स एम विच अकर बी हैविंग द सेम लेंथ तो ये बताइए कि जो सबसे लास्ट के जो दो सिंबल होते हैं क्या उनकी सेम लेंथ होती है बिल्कुल सही बात है जो लास्ट के लीस्ट टू प्रावर सिंबल होते हैं उनकी सेम लेंथ होती है बिल्कुल ठीक है पहला ऑप्शन करेक्ट है दूसरा ऑप्शन देखते हैं द लोस्ट प्रावल्टी सिम्बल एम विल डिफर ओनली इन द लास्ट पोजिशन येस ये भी दोनों ठीक है देखो लास्ट के जो सिम्बल होते हैं जैसे मान लीजिए एक सिम्बल दिया गया ए बी सी ठीक है इन दोनों को हमने कम्बाइन कर दिया तो हम इनको जो है ना इन दोनों को इक्वल लेंथ का कोड देंगे जैसे हमने इसको दे दिया जीरो 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 इसको हम दे देंगे जीरो जीरो वन तो देखो ये बिल्कुल इक्वल लेंथ के होंगे ठीक है स्टार्टिंग की बिट्स बिल्कुल सेम होंगी बस लास्ट डिजिट डिट जो डिजिट जो है वो डिफरेंट होगी ठीक है तो देखो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है कौन सा ये भी ठीक है ये भी ठीक है दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है जो एम सिंबल uh, है लास्ट के वो uh, जो है वो डिफ़र होंगे लास्ट पोजिशन में अदर क्योंकि नॉन बाइनरी थी नॉन बाइनरी का मतलब क्या होगा कि ज़रूरी नहीं कि लास्ट में जो है दो ही सिंबल हमें मिले ठीक है जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई तो हो सकता है कि हमें लास्ट में तीन सिंबल को कंबाइन करना पड़े तो तीन सिंबल जो होंगे सी डी ई इनको कंबाइन कर देंगे हम ओके okay? और इनके कोड वर्ड्स क्या होंगे ज़ीरो जीरो 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 जीरो, जीरो वन एंड सो इस तरह से करके इनकी जो है डिजिट सेम होंगी तो ये ऑप्शन भी ठीक होता दिखाई दे रहा है दोनों ऑप्शन ठीक हो रहे हैं थर्ड ऑप्शन देखते हैं द सिम्बल्स दैट हैव हैव लोएस्ट विल विद लॉन्ग लेंथस हाँ ये बिल्कुल ठीक है जिनकी प्रॉवर्टी सबसे कम है उनको बड़ा लेंथ का कोड दे दो क्योंकि वो कम बार आएंगे तो बड़ा लेंथ का कोड हमें कम टाइम लिखना पड़ेगा जो जो बार बार आते रहते हैं उनको हम शॉर्टर कोड देते हैं तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डी ऑल ऑफ द दबाव डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है ओके सो क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेट डिस्टोर्शन थ्योरी तो देखो रेट डिस्टोर्शन थ्योरी के बारे में कंसेप्ट आ गया क्या कह रहा है रेट डिस्टोशन थ्योरी देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो का पहला पार्ट इट इज अप्लाइड फॉर कंप्रेशन स्कीम्स तो विच इज इनकरेक्ट अच्छा इनकरेक्ट बताना ध्यान रखना देखो बच्चों ये जो इनकरेक्ट वर्ड है ना कंफ्यूज कर देता है तो इनकरेक्ट मतलब कि जो गलत है तो देखो इट इज अप्लाइड फॉर द कंप्रेशन बिल्कुल सही बात है रेट डिस्ट्रोक्शन थ्योरी जो है compression scheme में होता है कंप्रेशन स्कीम में यूज होता ये टर्म बिल्कुल ठीक है दूसरा एन एवरेज नंबर ऑफ बिट्स आर टू रिप्रेजेंट द ईच सैंपल वैल्यू ठीक है एन एवरेज नंबर ऑफ बिट्स आर टू रिप्रेजेंट ई सैंपल बिल्कुल ठीक बात है जैसे मैंने क्वांटाइजेशन का जो लेक्चर था उसमें बताया भी था कि जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक नंबर लाइन है यहाँ पर ये कुछ ऐसे हम लेवल्स बना लेते हैं तो जैसे मान लीजिए जीरो है ये वन है माइनस का ये माइनस का टू है ठीक है ये प्लस का वन है और ये प्लस का टू है ओके okay? तो जैसे ये जो रेंज है तो इसको भी रेंज बना लेंगे इस रेंज में लाई करने वाले सारे नंबर्स को एक एक ही नंबर दिया जाएगा जैसे बोल दिया माइनस के वन पॉइंट फाइव ठीक है तो माइनस वन पॉइंट फाइव तो इस रेंज को हम एक ही नंबर देंगे इस रेंज को एक नंबर देंगे इस रेंज को एक नंबर देंगे इस रेंज को एक नंबर देंगे एंड सो ऑन ठीक है तो ये, ये ये बोल रहा है ये कि भैया एवरेज नंबर ऑफ बिट्स आर यूटिलाइज टू रिप्रेजेंट ई सैंपल वैल्यू एक सैंपल वैल्यू को एवरेज नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल ठीक बात है ऐसे वन और टू के बीच में वन पॉइंट फाइव सेम रिप्रेजेंट करा देंगे सारे नंबर्स को तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी ठीक है ऑप्शन नंबर सी देखते हैं इफ़ द रेट ऑफ बिट्स इज डिक्रीज अगर रेट ऑफ बिट्स जो है डिक्रीज होता है तो इट इज़ नोन एज इंक्रीज इन डिस्टोर्शन बिल्कुल ठीक बात है यह अपोजिट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर देखो रेट ऑफ बिट्स घटेगा तो डिस्टोर्शन तो बढ़ेगा अगर रेट ऑफ बिट्स बढ़ेगा तो डिस्टोर्शन घटेगा तो देखो इसमें तीन ऑप्शन तो सही गए तो एक लास्ट वाला ही गलत होगा इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर टू का डी ऑप्शन सही हो जाएगा इफ द रेट ऑफ बिट्स इज रिप्रेजेंट ईच वैल्यू इज़ इंक्रीज इट इज़ नोन एज इंक्रीज ये गलत हो जाएगा ऐसा नहीं होता जो मैंने सी एफ भी बताया था ये करेक्ट होता है ठीक है ना तो जो इसमें गलत है जो दूसरे का जो गलत ऑप्शन हो क्या है वो डी है ठीक क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है वॉट इज अर्थमेटिक कोडिंग अर्थमेटिक कोडिंग के बारे में ये बात कर रहा है तो अर्थमेटिक कोडिंग क्या है अर्थमेटिक कोडिंग जो है क्या है ये ए, ए वेरिएबल लेंथ एंट्रोपी एनकोडिंग फॉर्म है बिल्कुल ठीक बात है ये एंट्रोपी एनकोडिंग फॉर्म ही इसको बोलते हैं हफमैन कोडिंग को भी हम एंट्रोपी एनकोडिंग फॉर्म बोलते हैं ओके सो so, वेरिएबल लेंथ का एंट्रोपी एनकोडिंग फॉर्म होता है बिल्कुल ठीक बात है तीसरे का भी देखते हैं इट इज़ यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉसलेस डेटा कंप्रेशन बिल्कुल ठीक बात है अर्थमेटिक कोडिंग हफमैन कोडिंग ये सारे के सारे जो होते हैं ये लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में यूज़ होते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं तीन का सी ऑप्शन फ्यूअर बिट्स आर ऑक्युपाइड वैन फ्रिक्वेंटली यूज कैरेक्टर्स एज आर रिप्रेजेंटेड ओके ये वही कंसेप्ट है कि जो सिम्बल्स बार बार आ रहे हैं तो क्या उनको हम आ, आ, ऐसा करते हैं फ्यूअर बिट्स आर ऑक्युपाइड वैन फ्रिक्वेंटली यूज कैरेक्टर्स आर रिप्रजेंट ठीक है तो जो फ्यूअर बिट्स आर ऑक्युपाइड वैन फ्रिक्वेंटली यूज कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ऐसे सिम्बल्स जो बार बार आ रहे हैं क्या उनको हम छोटा लैंड देते हैं बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल वेरी राइट ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि देखो जो बार बार सिंबल आ रहे हैं उनको छोटा को छोटे लैंड का कोड देंगे तभी तो कंप्रेशन होगा तभी तो साइज़ कम होगा तो इसमें चारों ऑप्शन ठीक होने वाले हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो है वो ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है देखो वेक्टर क्वांटाइजेशन के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर तो वेक्टर क्वांटाइजेशन क्या कह रहा है देखो वेक्टर क्वांटाइजेशन और स्केलर क्वांटाइजेशन दो तरह के क्वांटाइजेशन होते हैं प्रोसेस में देखिए क्वांटाइजेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द लॉसलेस डेटा कंप्रेशन और इसमें दो तरह के होते हैं एक होता है वेक्टर एक होता है स्केलर जब. जब देखो इनपुट का जो टाइप होता है ना वो वेक्टर टाइप का, का होता है जो इनपुट का जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं वो अगर वैक्टर वैक्टर डायरेक्शन में होते हैं वैक्टर टाइप के होते हैं उनको वैक्टर क्वांटाइजेशन बोलते हैं और जब इनपुट का जो सेट है वो स्केलर टाइप का होता है ठीक है स्केलर वैल्यूज उसमें होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है स्केलर क्वांटाइजेशन बोलता है तो क्वेश्चन नंबर फोर के कह रहे देखते हैं वैक्टर क्वांटाइजेशन वेक्टर क्वांटाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो वेक्टर क्वांटाइजेशन क्या है तो इट क्वांटाइजेस एज इनपुट्स एंड आउटपुट्स इट क्वांटाइज एज इनपुट एंड आउटपुट्स तो देखो ये हो सकता है देखते हैं अभी इसको इसको होल्ड पे डालते हैं क्वेश्चन नंबर ए फोर्थ का ए इट रिजल्ट्स इन ए डिस्टॉर्शन रेट डिस्टॉर्शन रेट इन डिटॉर्शन रेट इन इट इज ग्रेटर देन स्केलर क्वांटाइजेशन अच्छा डिस्टॉर्सन रेट इन इट इज ग्रेटर देन स्केलर क्वांटाइजेशन ऐसा नहीं है इट इज़ यूज इन लॉज़ी स्कीम तो ये देखो बिल्कुल ठीक लग रहा है देखो पहला ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है दूसरा ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है और तीसरा ऑप्शन हमें डी ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है तो तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट है मुझे लगता है क्वेश्चन शायद गलत है क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटाइजेशन इनमें से क्या रिप्रेजेंट नहीं करता या कौन सा जो टर्म है वो क्वांटाइशन वेक्टर क्वांटाइजेशन से रिलेटेड नहीं है ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो है मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए वेक्टर क्वान्टशन नॉट ट्रू करके होना चाहिए नॉट ट्रू तो वेक्टर क्वांटाइजेशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आप देख रहे हो ये जो इट क्वांटाइज इनपुट आउटपुट को क्वांटाइज करता है बिल्कुल ठीक बात है इट रिजल्ट्स इन अ डिस्टॉर्शन रेट डिस्टॉर्शन रेट होगा वहाँ पर क्योंकि देखो डिस्टॉर्शन कब होता है जब ओरिजिनल और रिकन्स्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है तभी डिस्टॉर्शन बनता है तो वहीं पर डिस्टॉर्शन रेट भी बनेगा तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस ही होती है जिसमें लॉजिक कंप्रेशन होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर डिस्टॉर्शन आने वाला है तो डिस्टॉर्शन रेट यहाँ पर जरूर होगा तो इसलिए बी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है और ये लॉजी स्कीम में यूज़ होता है डो डी ऑप्शन भी करेक्ट है तो इसमें जो है ना सी ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है सी ऑप्शन इस सबसे अलग है तो सी ऑप्शन जो है गलत है सी ऑप्शन जो है गलत है इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटाइजेशन में कौन सा ट्रू नहीं है इसमें सी ट्रू नहीं है ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग ठीक है मेन चीज़ तो हमें ये है कि कंसेप्ट सीखना है कंसेप्ट आप लोग सीख रहे हो ओके क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप रिलेट कर लोगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहे हैं देखो विच इज़ ट्रू अबाउट ऑप्टिमम प्रिफिक्स कोड तो ऑप्टिमम प्रीफिक्स कोड के बारे में क्या ट्रू है तो क्या ट्रू है यह हमें बताना है ओके okay. तो प्रीफिक्स कोडिंग इज़ नॉट नोन एज ऑप्टिम कोडिंग ये तो गलत है भाई ये तो ऑप्टीम कोडिंग तो जानी जाती है प्रीफिक्स कोडिंग को ही ऑप्टीम कोडिंग बोला जाता है बी ऑप्शन देखते हैं ऑप्टीम प्रीफिक्स कोड्स एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ डेटा कंप्रेशन बिल्कुल ठीक बात है ये परफेक्ट है ये परफेक्ट है विच इज़ ये बिल्कुल ठीक बात है ये ऑप्शन सही बी जो है सही हो रहा है तो ऑप्टीम प्रीफिक्स कोड जो होता है वो एफिशियंसी को डेटा कंप्रेशन की इंक्रीज करता है एनहांस करता है ये ऑप्शन ठीक हो रहा है तो ऑप्शन ए गलत हो गया ठीक है सी देखते हैं लेस फ्रीक्वेंटली अकर्ड सिंबल्स हैव शॉर्टर कोड्स अरे भाई जो कम बार आ रहे हैं उनको छोटा कोड थोड़ी दिया जाएगा जो कम बार आ रहे हैं उनको बड़ा कोड दिया जाएगा ये भी गलत हो गया लेस अकर्ड सिंबल्स विल हैव डिफरेंट लेंथ कोड अरे भाई जो सबसे कम आ रहे हैं उनको डिफरेंट कोड नहीं उनको सेम कोड दिया जाता सेम लेंथ का कोड दिया जाता तो ऑप्शन तीन ये गलत हो जाएगा बी सही हो जाएगा ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है ठीक है सिक्स कह रहा है कि भाई विच इज़ नॉट ट्रू देखो नॉट ट्रू एडेप्टिव फॉरवर्ड एडेप्टिव अडेप्टिकांटाइजेशन के बारे में नॉट ट्रू बताना है नॉट ट्रू जो गलत है वो बताना है तो देखो तो तो गलत कौन सा होगा देखते हैं द सोर्स आउटपुट इज डिवाइडेड इंटू वेरियस ब्लॉक्स ऑफ डेटा ये तो सही है भाई जो सोर्स आउटपुट होता है वो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है वैक्टर क्वाटाइजेशन में फॉरवर्ड अडेप्टिव कॉन्टाइजेशन बिल्कुल ठीक बात है फिर एवरी ब्लॉक इज एनालाइज प्रायर टू क्वांटाइजेशन बिल्कुल ठीक बात है ये भी जो ब्लॉक है जो भेजा जाता है उसको एनालाइज किया जाएगा भेजने से पहले क्वांटाइज करने से पहले बिल्कुल ठीक है थर्ड देखते हैं द ट्रांसमिटेड सेटिंग्स आर सर्वड एज साइड इन्फॉमेशन एट रिसीट बिल्कुल ठीक बात है जो भाई ट्रांसमीटर सेटिंग्स होंगे कुछ कि वैया कैसे कैसे हमने एनकोड किया कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए ये सारी चीज़ें हम ट्रांसमिट कर देंगे रिसीवर एंड पर तो ये रिसीवर एंड पर एज ए साइड इन्फॉर्मेशन की तरह काम करेंगी और उसको डिकोड करने में हेल्प करेंगे तीन ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं तो चौथा ऑप्शन ही इसका गलत हो जाएगा ठीक है तो गलत का मतलब है ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का ठीक हो जाएगा डेटा इज रिकवर्ड इन ओरिजिनल एट रिसीवर सेंड नहीं भैया ये तो क्वांटाइजेशन जो प्रोसेस ही होता है लॉसी तो इसमें ओरिजिनल डेटा रिकवर नहीं होता है ओके तो सिक्स का जो गलत है वो डी ऑप्शन गलत है मतलब कि गलत का मतलब सिक्स क्वेश्चन के हिसाब से सिक्स का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखो साथ क्या कह रहा है बच्चों देखते हैं साथ क्या कह रहा है विच इज़ ट्रू देखो ट्रू बताना है हमें विच इज़ ट्रू विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग कंपोजिट सोर्स मॉडल देखो कंपोजिट सोर्स मॉडल की बात कर रहा है तो ट्रू बताना है तो वैन ए सिंगल सोर्स इज अनफ वैन ए सिंगल सोर्स इज अनफ फॉर वन सोर्स द कंपोजिट सोर्स मॉडल इज यूज अरे भाई ये तो गलत है जब भाई एक ही सोर्स काफ़ी है मॉडल बनाने के लिए तो कंपोजिट सोर्स की क्या जरूरत है कंपोजिट सोर्स मॉडल किया जा रहा है फिर तो आप प्रोबेबिलिटी यूज़ मॉडल यूज़ करो या मार्काउ मॉडल यूज़ करो या फिज़िकल मॉडल यूज़ करो कोई और मॉडल यूज़ करो तो कंपोजिट सोर्स मॉडल तब यूज़ होता है जब एक मॉडल काफ़ी नहीं होता है डेटा की मॉडलिंग करने के लिए तो वहाँ पर कंपोजिट सोर्स मॉडल मतलब कि कई सारे मॉडल्स को मिला करके कंपोजिट सोर्स मॉडल बनाया जाता है उसको यूज़ किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर सात का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा बी देखते हैं कंपोजिट सोर्स मॉडल यूजेस मैनी मॉडल्स एट ए टाइम नहीं भाई देखो कंपोजिट सोर्स मॉडल में बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं लेकिन एट ए टाइम वो एक को ही यूज़ करता है ठीक है ये चीज ध्यान रखना आप सी ऑप्शन क्या कहता है देखो सी ऑप्शन क्या, क्या कह रहा है कंपोजिट फोर्स मॉडल यूजेस ओनली वन मॉडल एट ए टाइम बिल्कुल यही ठीक बात है एक बार में एक ही मॉडल को यूज़ करता है अभी मान लो फिजिकल कर रहा है जब उसको जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी में स्विच कर जाएगा लेकिन एट ए टाइम एक पे काम करेगा और क्वेश्चन हम सात का डी देखते हैं कंपोजिट सोर्स मॉडल इज़ कॉम्पेटेबल ओनली विद लॉजिक कंप्रेशन नहीं भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है ये कहीं पर भी इसी इस मॉडल है इनको कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है ठीक है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा सात सेव सात का सी क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं आठ क्या कह रहा है तो ऑफ के बारे में कुछ ये बात कर रहा है ऑफ इन एल जेड तो आपको याद आ गया ना तो एल जेड सेवेंटी सेवन एल्गोर्थम में हमारे पास जो एल्गोर्थम में जो एनकोड किया जाता है तो कैसे एनकोड किया जाता है ओ एल सी है ना ओ एल सी के फॉर्म में डेटा को एनकोड किया जाता है जहां पर ओ क्या होता है ऑफसेट एल क्या होता है लेंथ ऑफ द मैच और सी क्या होता है कोडबर्ड फॉर द नेक्स्ट लेटर ठीक है ऑफसेट क्या बताता है ऑफसेट ये बताता है कि आपका जिस लेटर को आप एनकोड करने वाले हो जो लुक लुक अहेड बफर में रखा हुआ है तो उसको हम सर्च बफर में सर्च करते हैं तो सर्च बफर में उसकी पोजिशन क्या है वही ऑफसेट होती है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट का देखते हैं द सर्च पॉइंटर इज़ थ्रू अनटिल ए मैच टू द फर्स्ट सिंबल इन सर्च बफर इन इन सर्च बफर हाँ बिल्कुल ठीक है तो ये पहला ऑप्शन ही मुझे ठीक लग रहा है सर्च पॉइंटर क्या करता है वो फर्स्ट uh, सिंबल जो कि हमारा लुक हेड बफर में फर्स्ट सिंबल होता है इसको एनकोड करने वाले हैं उस सिंबल को सर्च बफर में सर्च करता है जहाँ पर उसकी पोजिशन मिल जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं ऑफसेट बोलते हैं पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है आगे देखते हैं और ऑप्शन क्या कह रहे हैं द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन बी ऑप्शन पढ़ रहे हैं हम द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंटर एंड द लुक अड बफर इज़ नॉट नोन एज ऑफसाइट ये गलत है ठीक है ऑफसाइड इज़ बीग सर्च देखते हैं तीसरा ऑफसन इज ऑफसाइड इज़ बीग सर्चड इन लुक अड बफर नहीं भैया ऑफसाइड लुक हेड बफर में सर्च नहीं होता है ऑफ साइड जो होता है वो सर्च बफर में सर्च होता है ठीक है लुक अड बफर में तो लेटर्स लिखे होते हैं ठीक है इसका इंटेक्स ऐसे होता है देखो ये हमारी विंडो होती है ठीक है ऐसे करके यहाँ पर जो होता है ये, ये होता है सर्च बफर ठीक है समझ रहे हो और ये होता है लुकोहैड बफर तो यहाँ पर सिंबल जो है लिखे होते हैं तो इस ए को इसको मुझे इनकोड करना है तो इसकी इसकी अक्रेंस हम यहाँ पर चेक करते हैं ए बी सी डी बी ओके तो देखो इस ए की जो अकरेंस है हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये कहाँ आ रहा है तो देखो ए कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर ओके okay. समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ पर आ रहा है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पर जो ऑफसेट वैल्यू क्या हो जाएगी ऑफसेट वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव हो जाएगी इसी को हम ऑफसेट बोलते हैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर जो एट पढ़ रहे हैं इसका पहला ऑप्शन ही ठीक होने वाला है ये पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा बाकी सब गलत हो जाएंगे सी डी देखते हैं देयर कैन बी ओनली वन ऑफसेट वैल्यू इन वन सर्च नहीं ऐसा नहीं है एक सर्च में क्या एक ही ऑफसेट हो सकता नहीं भाई अगर मान लो जिस लेटर को हम सर्च कर रहे हैं ए को ठीक है जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो हो सकता है ए यहाँ पर भी लिखा हो बी फिर ए यहाँ पर भी लिखा हो ठीक है और मान लो ये है हमारा लुक हेड बफर ये ए है ये बी है तो हम इसको सर्च कर रहे हैं तो इसकी दो ऑफसेट मिलेंगी एक ऑफसेट तो ये मिलेगा और एक ऑफसेट हमें यह मिलेगा समझ समझिए ना तो जरूरी नहीं कि एक ही ऑफसेट हो एक से ज़्यादा ऑफसेट हो सकती है तो पहला ऑप्शन इसका ठीक होने वाला है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है विच वन इज नॉट अ लॉसलेस कंप्रेशन स्कीम बताइए मुझे कौन सा जो है लॉसलेस कंप्रेशन स्कीम नहीं है ये हमें बताना है तो देखो हफमैन कोडिंग लॉसलेस होता है शेनन फेनो ये भी लॉसलेस होता है अर्थमेटिक ये भी लॉसलेस होता है जो एल बी जी एल्गोर्थम है ये लॉसलेस नहीं होता है ये लॉस लॉजी कम्प्रेशन स्कीम होता है एल लिंडे बुजो ग्रे एल्गोरिथम ये जब मैनुअल uh, एग्जाम होता था ये एल्गोरिथम बहुत पूछी जाती है एग्जाम में तो इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा इसकी फुल फॉर्म छोटे मोटे इसके कंसेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा एल बी जी अलगोरथम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि भाई विच वन इज़ नॉट ए लॉजिक कम्प्रेशन स्कीम अच्छा लॉजी कौन सी नहीं है तो देखो अभी बताया हमने एल बी जी तो लॉजी होती है जे पी जी हम पहले पढ़ चुके हैं जो इमेज का कंपरेशन होता है ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ये भी लॉजी कंप्रेशन इमेज को लॉजी फॉर्म में स्टोर करके रखता है वेवलेट बेस कंप्रेशन ये भी लॉज होता है जो पी होता है है ना याद आ गया आपको प्रडिक्शन विद पार्सल मैच प्रडिक्शन विद पार्सल मैच ये हमारा लॉसलेस में यूज़ होता है ठीक है तो इसको इसका आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवेलिड क्वान्टाइज़र देखो कई तरह के क्वटाइज़र होते हैं तो इनमें कौन सा कॉन्टाइजर जो इनवैलिड है जो नहीं है जो नॉन नहीं है तो देखो फॉरवर्ड एडेप्टिव कॉन्टाइजर आपने पढ़ा होगा बैकवर्ड एडेप्टिव कॉन्टाइजर आपने पढ़ा होगा एक और एक और कॉन्टाइजर होता है जयंत कॉन्टाइजर जे देर वॉज अ साइंटिस्ट कॉल्ड जयंत ओके तो जयंत कॉन्टा उन्होंने एक कॉन्टाइजर बनाया था उसी का नाम ही पड़ गया जयंत कॉन्टाइज़र ये भी होता है तो शैनन नाम का कोई कॉन्टोइजर नहीं होता है तो इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा शैनन कॉन्टाइज़र नहीं होता है ओके okay? तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बारह देखते हैं विच वन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग क्वांटाइजेशन प्रोसेस तो क्वांटाइजेसन प्रोसेस के रिगार्ड में क्या करेक्ट है तो इट रिप्रेजेंट तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इट रिप्रजेंट्स फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ विद म मच स्मालर सेट ऑफ कोर्ट वर्ड्स बिल्कुल ठीक बात है यही होता है यही तो होता है फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज मतलब इन फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जैसे वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट फोर वन पॉइंट टू उनको हम एक फाइनाइट सेट ऑफ कोर्ट वर्ड्स से रिप्रेजेंट कर देंगे इन सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल जीरो 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 से तो जो भी वैल्यू एक से दो के बीच में लाई करेगी उन सबको एक कोड दे देंगे जो वैल्यू दो से तीन के बीच में लाई करेगी उसको एक कोड वर्ड दे देंगे ठीक है ना तो इन फाइनाइट सेट ऑफ़ वैल्यूज़ को एक फ़ाइनाइट सेट ऑफ कोड वर्ड्स देते हैं यही करेक्ट हो जाएगा बाकी सब गलत हो जाएंगे ठीक है तो देखो आप इट हेल्प्स इन कंप्रेजिंग डेटा लॉसलेस ही लॉसलेस नहीं करता भैया लॉस ही करता है आगे देखते हैं इट रिप्रेजेंट फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ नहीं तो उल्टा हो गया उसका पहले वाले का ये भी गलत है इट कैन बी यूज़ टू कंप्रेस ओनली टेक्सट टाइप नहीं टेक्स्ट के लिए नहीं ये भैया ऑडियो वीडियो इमेज इस तरह के डेटा के लिए इसका काम यूज़ किया जाता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर बारह का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा थर्टीन देखते हैं थर्टिन क्या कह रहा है भैया विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग जयंत क्वांटाइजर देखो जयंत क्वांटाइजर आ गया तो जयंत क्वांटाइजर के रिगार्डिंग में क्या ट्रू है ये हमें बताना है तेरह का तो देखिए ये क्या कह रहा है वी डू नॉट नीड टू ऑब्जर्व द क्वांटाइज़र आउटपुट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ बस यही तो उसकी खासियत होती है इसको आप याद रख लेना इसको पकड़ लेना आप कि हमें ज़्यादा लंबे समय तक क्वांटाइज़र के आउटपुट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यही इसका मेन थीम है बाकी सब इसमें गलत हो जाएंगे इफ़ इनपुट फॉल्स इन द आउटपुट लेवल्स द स्टेप साइज़ नीड्स रिड्यूस नहीं उल्टा है ऐसा नहीं होता है इसको बढ़ाना होता है इफ़ द इनपुट फॉल्स इन इन द इनर स्टेप साइज नीड्स एक्सपेंडेड नहीं भैया ये इनर क्वांटाइजर के लिए बात ही नहीं करता है जेद क्वांटाइजर यूजड इन लॉसलेस नहीं लॉसलेस नहीं लॉजिक में यूज़ होता है ये ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका तेरह का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा ठीक क्वेश्चन नंबर चौदह देखते हैं क्या कह रहा है विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग कॉम्पैंडेड क्वांटाइजेशन देखो कॉम्पैंडेड क्वांटाइजेशन क्या होता है तो देखो ये थोड़ा सा ना मॉडिफाइड वर्जन है क्वांटाइजेशन प्रोसेस का इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पर ऐसे ऐसे सिंबल्स जहाँ पर ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाले सिंबल्स आ रहे हैं ना तो उसकी हम रेंज को बढ़ा देते हैं जैसे मान लीजिए <coughs> क्या करते हैं देखो ऐसे करके देखो हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं मान लो ये ज़ीरो है ये माइनस वन है ये माइनस टू ये वन है ये टू है तो हमें लग रहा है कि जो हमारा डेटा है ना इस रेंज में ज़्यादा आ रहा है इस रेंज में ज़्यादा आ रहा है तो हम इस इस रेंज के स्टेप साइज को बढ़ा देंगे क्योंकि सारा डेटा यहीं पर तो आ रहा है इस रेंज के स्टेप साइज को बढ़ा देंगे इसके अंदर हम फर्दर जो है सब कैटेगरीज बना लेंगे स्टेप साइज बढ़ा देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं कॉम्पैंडेड क्वांटाइजेशन तो देखिए क्या ऑप्शन ठीक हो रहा है क्वेश्चन नंबर चौदह का कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है क्वेश्चन नंबर चौदह का देखिए आप कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है इंटरनल विल बी लार्ज व्हेन द इनपुट लाइज विद इन हाई प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ठीक है पहला ऑप्शन ही ठीक हो रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया जो इंटर इंटरवल होगा इंटर इंटरवल है एक्चुअली इंटरनल नहीं है इंटरवल है तो इंटरवल विल बी लार्ज वैन द इनपुट लाइज विद इन द हाई प्रोबेबिलिटी तो हाई प्रोबेबिलिटी जब होगी ना तो इंटरवल जो है लार्ज हो जाएगा ये पहला ऑप्शन ठीक है इसका बाकी सब गलत हो जाएंगे देखो है ना इसको आप याद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं पंद्रह विच इज़ द बेनिफिट ऑफ वैक्टर क्वांटाइजेशन ओवर स्केलर क्वांटाइजेशन अच्छा वैक्टर क्वांटाइजेशन का बेनिफिट बताना ओवर स्केलर कोंटाइजेशन तो अभी हमने पढ़ा था कि वैक्टर स्केलर क्या होता है तो वैक्टर क्वांटाइजेशन का बेनिफिट बताना ओवर द स्केलर कोंटाइजेशन तो देखो ये क्या होगा वी सी इज़ मोर एफिशेंट ओवर एस सी वैन सोर्स आउटपुट वैल्यूज़ आर को रिलेलेटेड बिल्कुल ठीक बात है पहला ऑप्शन ठीक है जब वैल्यूज आपस में को रिलेटेड होती है ना तो एक वैक्टर डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है वैक्टर क्वांटाइजन का जो इसकी हेल्प करता है अच्छी क्वांटाइशन प्रोसेस को अचीव करने में ओवर स्किल क्वांटाइजेशन बाकी सब गलत हो जाएंगे देखो ये इसी, इसी के अपोजट लिखे होंगे ये सब गलत हो जाएंगे ओके तो पहला क्वेश्चन ही आपका पहला वाला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सोलह देखते हैं एल बी जी इज़ द एब्रीविएशन ऑफ देखो एक्शन आ गया ठीक है तो ये मैंने जानबूझ के डाला यहाँ पर तो एल की फुल फॉर्म बताइए तो क्या होता है एल का फुल फॉर्म लीनियर बाई सेक्ट लिंडे बुजो ग्रुप लीनियर बाई सेक्ट ग्रुप नहीं देखो ये बिल्कुल ठीक होता है लिंडे बूजो ग्रे ये तीन साइंटिस्ट थे एक का नाम था लिंडे एक का बुजो एक का ग्रे इन्होंने मिल इस एलगोर्थम को बनाया था और ये एलगोर्थम यूज़ होती है वेक्टर क्वांटाइजेशन में तो ध्यान रखिएगा प्लीज़ तो ये लॉजिक कंप्रेशन में क्वांटाइजेशन प्रोसेस में इसका यूज़ होता है और देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्रह क्या कह रहा है एल बी जी एलगोरथम सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ कॉन्टाइजेशन तो ये एल एल बी जी अलगोरथम जो है किस टाइप के कॉन्टाइजेशन को सपोर्ट करती है अभी मैंने बताया था वैक्टर क्वानाइजेशन को तो एल बी जी अलगोरथम लिंडे बुजो ग्रे अलगोरथम वैक्टर टाइप के कॉन्टाइजेशन को सपोर्ट करती है ठीक है चलो तो आई होप कि ये क्वेश्चन हमने किए क्वेश्चन मैंने देखो कुछ नेट से भी सर्च किए हैं कुछ मैंने खुद से बनाए हैं आप लोगों के लिए आई होप कि ये क्वेश्चन ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होंगे तो कुछ ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में मिल जाएँ आपको लेकिन अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ लिया इनके ऑप्शन देख लिए, समझ लिए कंसेप्ट को तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में ठीक है स्टूडेंट्स तो अभी के लिए चलते हैं थैंक यू सो मच